अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दरक्षा शुएब और लाई हूं आपके लिए एक यम्मी सी डोनट की रेसिपी। सॉफ्ट डोनट्स बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक फॉलो करिएगा। बीच बीच में मैं इसकी टाइमिंग और टिप्स बताती रहूंगी और साथ साथ इसकी टॉपिंग भी बनाना सिखाऊंगी। डोनट की डो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले लिया है मैंने 2 कप मैदा और मैदे को मैंने छान लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है पाउडर मिल्क, 1 अंडा, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है कैस्टर शुगर, 1/4 कप लिया है मैंने मिल्क, इसको थोड़ा गर्म कर लिया है, 1/4 कप है पानी, इसको भी गर्म कर लिया है। नीम गर्म करना है पानी और दूध को। 2 टीस्पून लिया है मैंने ईस्ट, 3 टेबलस्पून ही लिया है मैंने बटर रूम टेम्परेचर पर। डो बनाने के लिए सबसे पहले नीम गरम पानी और नीम गरम दूध को मिलाकर रख देंगे। अब एक बड़ी बॉल में मैंने मैदा, चीनी, पाउडर मिल्क, ईस्ट, अंडा और बटर शामिल करा है। पहले इन सब को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसमें दूध और पानी का मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करूंगी और आटे की तरह गूंदूंगी। इसकी थोड़ी सॉफ्ट डो बनेगी। ये देखिए एक सॉफ्ट डो इसकी तैयार है। अब इसके बाद मैं किचन टॉप पे थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है, उसके बाद इसको अच्छी तरह गूंदूंगी। 2 से 3 मिनट तक मुसलसल इसका गूंदना है। डो अच्छी तरह गूंदने के बाद 1 से 2 मिनट एक खुले बर्तन में मैंने ऑयल लगाया है। अब इसमें डो रखकर अच्छी तरह कवर करके मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी। एक घंटा हो चुका है, ये देखें डो कितनी अच्छी सी फूल चुकी है। डो बनाने का ये 2nd स्टेप है। इसके लिए मैंने किचन टॉप पे थोड़ा सा मैदा लिया है, इसके बाद फिर मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए गूंदूंगी। जब ये अच्छी तरह गूंद जाएगा तो फिर 10 मिनट के लिए यहीं किचन टॉप पे छोड़ दूंगी। ये देखें 10 मिनट बाद डो अच्छी तरह राइज हो चुका है। अब ये डो पे मैं मैदा लगा के इसकी बड़ी सी एक रोटी बना लूँगी। थिक सी इसकी रोटी बनानी है, बहुत बारीक नहीं करना है। उसके बाद मैंने ये कटर लिया है, आप कोई भी डोनट कटर ले सकते हैं, मैंने ये कैप लिए हैं। अब इस कैप की मदद से मैं डोनट का शेप दूंगी। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा वाला। ये देखें बिल्कुल डोनट की शेप तैयार है। इसी तरह से तमाम डोनट्स बना लेने हैं। एक बड़ी ट्रे में मैंने मैदा लगा दिया है, सारे डोनट काट के मैं इसी में रख दूंगी। अब है स्टेप 3। अब फिर से डोनट्स को
10 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख देंगे फ्राई होने से पहले। ये देखें 10 मिनट बाद अच्छी तरह डोनट्स राइस हो चुके हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने खुले बर्तन में ऑयल लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म करा है। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल। हल्की आंच पर ही इसको फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। ये देखें डोनट का कितना अच्छा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद मैं तमाम डोनट्स को टिश्यू पर रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। जब तक डोनट थोड़े ठंडे हो जाएं हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। टॉपिंग के लिए लिया है मैंने 6 स्पून कस्टर्ड शुगर, 3 स्पून कोको पाउडर, थोड़ा सा वनीला एसेंस, थ्री टू फोर स्पून मैंने इसमें मिल्क शामिल करा है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अगर ये पतली हो जाए तो आप इसमें शुगर ऐड कर लें और अगर गाढ़ा हो रहा हो तो इसमें आप मिल्क ऐड कर लें। अब मैं डोनट लिया है उसके बाद इसको ऊपर टॉपिंग लगाऊंगी। उसके साथ साथ मैंने 2 स्प्रिंकल्स की टॉपिंग रखी हैं। इसी तरह की टॉपिंग लगा के मैं डोनट तैयार कर लूँगी। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक भी लगा सकते हैं। आप इसमें सिर्फ खाली कैस्टर शुगर लगा सकते हैं, खाली चॉकलेट लगा सकते हैं या स्प्रिंकल के साथ लगा सकते हैं। मेरे बच्चों को स्प्रिंकल के साथ ज़्यादा पसंद। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच।